हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता सिंह रेसिपी चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज लेके आई हूँ मैं ओनली 2 मिनट्स में बनने वाले आम पन्ना की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत इजी है। अगर आप मेरी तरह बनाएंगे तो बहुत जल्दी बना लेंगे और इसे पूरे वीक तक मज़ा ले सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम पन्ना, गर्मियों के खास शरबत। और इसमें इतने गुण हैं कि इस मौसम के लिए जो चल रहा है काल, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे ये कच्चे आम। इन कच्चे आम को धो के छीलेंगे हम, और छील के एक कुकर में प्रेशर आने के लिए रखेंगे। तो जितने मैं ये सारे काम करती हूँ, आप लोगों से बात करते करते एक बात बतानी है मुझे कि आजकल लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, और तो प्लीज़ आप लोग सब लॉकडाउन का पालन करें, और कोरोना से बचने के लिए बहुत ही तैयारियां की गई हैं। अपने घर में रहें और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और डिस्टेंस बना के ज़रूर रखें। तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें, तभी हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो बात करते हुए, मैंने ये आम रख दिए हैं कुकर में। अब इन आम में मैंने जितने ये डिप हो सकता है उतना पानी डाला है, और अब इसमें हम लगाएंगे एक सीटी, और थोड़ा सा डाल दिया है नमक। तो जितने इस कुकर में आती है सीटी, इतने हम और तैयारियां कर लेते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दबे हुए बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देखो कुकर में अभी गई सीटी और ये कुकर हो गया ठंडा। तो इसमें जो आम खड़े हुए हैं, जो कच्चे आम मैंने इसमें बॉइल करने के लिए रखे थे, उन्हें हम हाथ से इस तरह से मसल कर इसका गुदा अलग कर देंगे और गुठली अलग कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखो, मैंने सारे आम को इस तरह से कर दिया गूदा अलग और गुठली अलग। अब इससे हम बनाना शुरू करेंगे आम पन्ना। तो इसका जो पानी है ऊपर वाला, उसे अभी हम थोड़ा अलग कर लेंगे और डाल देंगे जार में, क्योंकि हमने इसे बॉयल करते टाइम पानी थोड़ा ज़्यादा चलाया था, जिसमें ये डिप हो जाए, तो इसलिए हम इसे छान लेंगे। अभी जो छानने के बाद जो गाढ़ा वाले हमारे आम के पीसेस आए हैं, इसे हम एक जार में डालेंगे, और जार में डाल के इसे हमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। तो इसमें हमने सारा डाल दिया है आम का गुदा, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा पुदीना भुना हुआ। आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास सूखा पुदीना तो मैं वो डाल दूँ। ये लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक, और ये है मेरे पास भुना हुआ जीरा, तो ये डाल देंगे। और अब इन सबको हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और चीनी डालेंगे, और उसके साथ हम इसे मिक्सी में पीस देंगे। तो ये देखो, मैंने डाल दिया इसमें चीनी, और वही आम का थोड़ा सा जो हमने इसमें से पानी ऊपर से निकाला था, उसे डाल के जार में हम इसे चला देंगे। तो अब हमारा बैटर हो गया है बिल्कुल तैयार, हमारा मिक्सचर हो गया बिल्कुल तैयार। अब जो हमारे पास आम का बचा हुआ पानी है, जो हमने बॉयल करते टाइम और इसे छान लिया था, उसमें सारे मिक्सचर को हम ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले इसे हम अच्छे से चला लेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, और हमारा जो आम का गुदा जिसे हमने मिक्सी में पीसा है, मसाले डाले हैं, वो चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए कुछ इस तरह से। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो इन सबको हम एक वापस जार में छान लेंगे। और इस तरह से मैंने सारा मसाला जो हमने तैयार किया था मिक्सी में आम के पीसेस के साथ, उसे उसी आम के पानी के साथ मिक्स कर दिया है, जो एकदम ठंडा हो चुका था। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने से पहले आप हमेशा इसे अच्छे से चला लें कि जिससे मसाला नीचे बैठा हो, पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये मैंने लिया एक गिलास, और इस गिलास में सबसे पहले हम डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स, क्योंकि आम पन्ना चिल ही अच्छा लगता है, और इसमें विटामिन सी बहुत होता है, ये लू नहीं लगने देता, और गर्मियों का एक ख़ास ड्रिंक होती है, और इसे हम बड़े आराम से ही अपने घर में बना सकते हैं, और बनाने के साथ साथ इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 वीक तक। तो आई होप गाइज, आप लोगों को मेरी ये आम पन्ना की रेसिपी पसंद आई हो, जिसे मैंने क्विक और बड़े ईजी ढंग से बनाया है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में दबे हुए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे। और इन्जॉय करें इन गर्मियों में आम पन्ना विद गीता सिंह रेसिपीज। सी यू, बाय बाय, टेक केयर,
स्टे होम स्टे सेफ, और लॉकडाउन का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।